सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको गोलगप्पे बनाने का तरीका सिखाऊंगी। मैं आपको गोलगप्पों का आटा गूंदने का तरीका बताऊंगी। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए हैं वो ये हैं: आधा कप सूजी, आधा कप मैदा, हसबे जायका नमक और पानी। इसके लिए सबसे पहले हम आधा कप मैदा लेंगे, आधा कप सूजी, हसबे ज़रूरत नमक, और अब इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। इसके बाद हम पानी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता गूंदेंगे। पांच मिनट तक हम इसे अच्छी तरह गूंदेंगे। ये देखें आटा कितनी अच्छी तरह से गूंदा गया है, ना ये हाथों पर लगा है और ना ये नीचे परात में लगा है। अब हमारे पांच मिनट पूरे हो गए हैं। अब हम इसको किसी बाउल में निकाल के इसके ऊपर गीला टावल या गीला रुमाल करके आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे। ये देखें अब मैं इसको बाउल में रखने लगी। इसके ऊपर हम गीला रुमाल या टावल देकर आधे घंटे के लिए इसको रख देंगे। ये देखिए जो हमने गोलगप्पों का आटा गूंद कर रखा था उसको आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसको बेलेंगे। ये देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा मैदा फेंकेंगे और इसमें से इसके दो पेड़े बना लेंगे। हमने बेलकर रोटी को बड़ा कर लिया। अब हम कोई भी गोल चीज लेकर इसके बनाएंगे। ये जो बाकी बचा है इसका हम दोबारा पेड़ा बना लेंगे। अब इसको हम दोबारा से बारीक और ज्यादा करेंगे। इस तरह अब मैं सारे बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, इन सबको मैंने बेल लिया है। बेलने के बाद हमने इस तरह एक, ये देखें आप आसानी से ये उतर रहे हैं, एक एक करके। अब हम इसको घी में डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। ये देखें पहले से गरम तेल में मैं इसको डालूंगी। डालने के बाद आपने इसको ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करते जाना है, जितना प्रेस करेंगे उतना फूलेगा। ये देखें इसको हम हल्का सा कलर देंगे और हमारा ये इस तरह सारे अब मैं गोलगप्पे तैयार कर लूंगी। जितना प्रेस करेंगे उतना अच्छे से ये ऊपर आ जाएगा। ये देख आपने एक सेकंड बाद इसको फुल प्रेस रखना है। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे फिर इसको छोड़ेंगे, देखेंगे कितने अच्छे से ये फूलकर ऊपर आ जाएगा। दोनों तरफ से आपने इसको फुलाना है। जितना आप अच्छे से इसको दबाएंगे उतना अच्छे से ये फूलकर बाहर आ जाएगा। इसको हल्का सा हम पकाएंगे कलर देने के लिए और निकाल लेंगे। इसी तरह अब मैं सारे तैयार कर लूंगी और आपको वीडियो में दिखाती हूँ। अब ये मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं।
आप ये देखें कि मेरे गोलगप्पे किस कदर फूले हुए हैं। मैं दोनों तरफ से आपको दिखा देती हूँ। और इसकी क्रिस्प जो है वो मैं आपको फिलिंग करते हुए चेक करवाऊंगी। चलिए अब हम इसमें फिलिंग करते हैं। इसके साथ मैंने ये चाट पापड़ी में जो पापड़ यूज होता है मैंने वो भी तैयार कर लिया है इसी मटेरियल से। फ्राई करने का तरीका बिल्कुल सेम है, इसमें कम फूलेगा और गोलगप्पों में ज्यादा फूलेगा। चलिए अब हम फिलिंग करते हैं। अब हम गोलगप्पों की फिलिंग करेंगे। फिलिंग के लिए मैंने ये आलू और प्याज लिए। आप चाहे तो इसमें चने भी डाल सकते हैं, शकरकंदी भी डाल सकते हैं, जो आपको फ्लेवर पसंद हो। इसके साथ मैंने ये ग्रीन चटनी रायते वाली इस्तेमाल करूंगी, ये इमली की चटनी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इमली की चटनी भी बनाने का तरीका बताऊंगी। और साथ में हमने ये जो गोल गप्पों का सबसे खासियत वाली चीज़ है वो है इसका खट्टा। ये जो पानी आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, ये मैं खट्टा तैयार करने का भी तरीका आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब हम फिलिंग के लिए इस तरह आपने इसके अंदर सुराख कर लेना है, फिर रायता, मीठी चटनी के तौर पर मैं इमली की चटनी इस्तेमाल करूंगी। आप कोई भी सिंपल वाइट जो चीनी से बनती है चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं आपको दोबारा से इसका क्रंच बता देती हूँ। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत ही यमी, क्रिस्पी, क्रंची, बहुत ही टेस्टी। इसी तरह आप जितनी आपको जरूरत है आप इसको फ्रेश घर पे बनाते जाएं और इसको खाते जाएं। अगर आप इसको तैयार करके रखेंगे ये फिलिंग करके, तो फिर इसकी जो क्रिस्प है वो थोड़ी कमी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर पे ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।